मैं कब से कर सकते आप? नहीं नहीं कर सकते वो तो आपकी ड्यूटी, और हम तो सर आपको टैक्स दे रहे हैं, हम लोग शासन को टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स नहीं अरे चुरा रहे हैं। वो आपकी बात मान रहे हैं और मैंने आपको बंद गाड़ियों का 3 महीने से टैक्स भर रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं आप, बंद गाड़ियों का टैक्स भी आपको सर दे रहा हूँ मैं। रोज कार्रवाई नहीं होती मैं रोड, तो फिर आपकी कार्रवाई इतनी हो साफ सख्त की वो रोड अवैध संचालन नहीं हो सख्त। आप सख्त में क्या कर सकते हैं, जो एक्ट है उसके हिसाब से करेंगे, सख्त मतलब फांसी थोड़ी कर दूंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप दो कोई अरे फांसी नहीं होता है भाई, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप दो कोई के फांसी, लेकिन आप जो गाड़ियाँ यहाँ लगा रहे हैं ठीक नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। पब्लिक ऑफिस आप जैसे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है इनकी सुरक्षा की, बिल्कुल परसेंट भी बिल्कुल दीजिए आप, ये रिकॉर्ड में है कि मैं इनका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, अपने अनाधिकृत रूप से गाड़ियाँ खड़ी की है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। दे रहा हूँ लिखित, मैं नहीं ले रहा हूँ ना, मैं बोल के जा रहा हूँ आपको, तो बोलने से क्या होता है, मैं तो आप ना तो मैंने आपकी गाड़ी पकड़ी है ना आपकी गाड़ी बुलाई है मैंने, आप खड़ी कर रहे हैं। स्वेच्छा से जब मैं टैक्स भर नहीं पा रहा आपके कारण, आपके कार्यालय के कारण, तो आपके सुपर छोड़ के जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, ऐसा कहां एक्ट में लिखा है, एक्ट की बात करिए ना, क्या एक्ट की बात, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है कि गाड़ियां अगर टैक्स नहीं भर पाऊंगा तो आरटीओ को सौंप दूंगा। हाँ कहां लिखा है, कहीं पे भी लिखा तो होगा। नहीं भाई साहब नहीं लिखा है, अब ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए आप, एक्ट की बात जब आप कर रहे हैं तो एक्ट के अनुसार आपका काम भी यहाँ कर रहे हैं क्या भाई साहब, कार्रवाई का शासन आपको सैलरी दे रहा है तो आप उसका क्या पूर्ण निर्वहन से कर रहे हैं क्या, आप बिल्कुल कर रहे हैं भाई साहब, कहाँ आप 90% राजस्व है यहाँ पे, हम लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो 90% आप बोल रहे हो, हम लोग आपको टैक्स बंद गाड़ियों का भी दे रहे हैं तो आप बोल रहे हो 90%, आप खुद जान रहे हैं ऑफिस में एक अधिकारी है और दो बाबू है, कर्तव्य इन्फोर्समेंट का एक भी स्टाफ नहीं है, निर्वहन करते ना तो इतनी शिकायतें देना नहीं पड़ती आपको। आप सुनिए तो मेरी बात, ये इतनी शिकायतें आपकी, सुनिए तो मेरी बात, शिकायत की प्राप्ति नहीं देंगे आप, प्रावधान है ही ना उसका, आप मैं सरेंडर करने का मुझे है ही नहीं तो मैं कैसे करूँ आपसे बताओ, मैं कहाँ गाड़ी, आप शिकायत करेंगे मैं आपको प्राप्ति दूंगा, आप देखिए मैंने आप सबको प्राप्ति दी, ऐसी बात नहीं है, आप बोलो सरेंडर करो तो मेरे को पावर भी तो रची है, आपने ये प्राप्ति दी है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं, आप जैसा आपने ये मैंने प्राप्ति लाकर आवक जावक में प्राप्ति ली है, आप सब 2 मिनट शिकायत, आप 2 मिनट तो सुनिए, जैसे आपने गाड़ी सरेंडर कर रहे हैं उसकी आपने प्राप्ति ली, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एफए को कितने सीटर पे परमिट मिलता है, टाटा एस को कितने सीटर पे परमिट मिलता है, उसमें लिखा होगा ना, नहीं नहीं आप आपके कानून के हिसाब से कितना है, अरे इधर आ जाओ, वराल आगे आ रहे हैं लिखा, ये
भैया मैं लगातार मेरी गाड़ियाँ जो खंडवा से गांधवा रूट के लिए चलती है, वह टाकली जामली बगमार पे से, उस रूट पे कम से कम 20 टाटा मैजिक जीप एपे का अवैध संचालन पर डे होता है। मैं 6 माह से लगातार शिकायतें कर रहा हूँ, बाकी आरटीओ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं उससे अरे परेशान हूँ और मैं आज अपनी वाहनों का संचालन मैंने इसलिए आज बंद कर दिया है। मेरे पास 35 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं भाई। कार्रवाई ना होगी तो मैं तो 6 महीने से बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा हूँ, और अब तो स्थिति ये भी नहीं कि हम शासन को टैक्स दें, तो मैं अपनी वाहनों का संचालन बार बार यानी बंद करूँगा। जो लोग बगैर टैक्स के अपनी वाहनें संचालित कर रहे हैं, वो लोग ठाट से अपनी वाहनों को आरटीओ साहब की देखरेख में वो लोग अभी संचालित कर रहे हैं। इनकी भाई साहब की कुछ शिकायतें थी कि इनकी गाड़ियों के आगे ऑटो रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, लेकिन उनके अनुसार वो पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। मैंने भाई साहब को बताया है कि भैया आप गाड़ी खड़ी मत करिए अगर यहाँ पर, क्योंकि ना तो आपकी गाड़ी पर हमने कोई कार्रवाई की है, ना ही आपने अनुमति प्राप्त की है, और तो आप गाड़ियाँ यहाँ खड़ी मत करिएगा। अपनी गाड़ी यहाँ से आप जहाँ भी उचित समझे वहाँ खड़ी कर दीजिएगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। अगर कुछ चोरी होती है या कुछ टूट फूट होती है तो फिर ये ऑफिस भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 15 दिन पहले ही कार्रवाई हुई है जिसमें 5 ऑटो के खिलाफ 25,000 का चालान बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट एक तरीके से। किसी रोड पर हम निकलते भी हैं प्रैक्टिकली तो एकाध ऑटो पकड़ पाते हैं, उसके बाद उस रोड पर कोई नहीं मिलता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप दिन भर एक ही रोड पर खड़े रहें, क्योंकि ऑफिस का काम भी आपको देखना होता है। कार्रवाई समय समय पर करते हैं कार्रवाई, लेकिन अब रोज़ और रेगुलर कार्रवाई करना संभव नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे पास जो भी इनकी भाई साहब की शिकायतें आई हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे।